नाउ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th फिजिक्स. इन इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट वी स्टडी अबाउट चार्ज. व्हाट इज चार्ज? चार्ज बेसिकली है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. इट बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम. ये क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स में. चार्ज के अंदर हमारे पास चार्जेस होते हैं लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव. फॉर सेम चार्जेस दीज आर कॉल्ड लाइक चार्जेस. लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस लाइक नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. एंड सिंबल इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई सी. ऐसा यूनिट इज कूलम सी. ऑल वी नो दैट वन कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. हेयर वी हैव क्यू इज इक्वल्स टू एन ई. फॉर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई फॉर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड क्यू इज चार्ज. वॉट इज करंट? करंट इज द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेशियो होता है फ्लो ऑफ चार्ज का. करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से एंड टाइम को स्मॉल टी से. ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? एम्पियर. हेयर वन एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 CS-1 एंड 1 mA इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर. 1 μA इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ एम्पियर. करंट बेसिकली रिप्रेजेंट बाय अमीटर. हेयर द सिंबल. एंड अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड कनेक्टेड इन सीरीज. अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है इसलिए वो क्या होता है सीरीज में कनेक्टेड होता है. डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होगी. पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय वी. वेयर वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज. सो वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू फॉर वर्क डन एंड क्यू फॉर चार्ज. ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट. 1 volt इज इक्वल्स टू 1 joule per coulomb. वे 1 volt सपोज डेफिनेशन सकर डिफाइन 1 volt. सो 1 volt बेसिकली क्या होता है? व्हेन 1 joule ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 coulomb charge. 1 coulomb charge कैरी करते टाइम 1 joule ऑफ वर्क, जो जितना वर्क जून हुआ है हमारा 1 joule, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 volt. वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है जस्ट लाइक फॉर अमीटर. हेयर द सिंबल. एंड करंट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. करंट क्या होगा? फ्लो होगा हायर से लोअर पोटेंशियल में. सिंबल्स लाइक इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, की फॉर ओपन, की फॉर क्लोज्ड, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, अमीटर एंड वोल्टमीटर. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल्स. नाउ ओम्स लॉ. व्हाट इज ओम्स लॉ? इन ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट. करंट पासिंग थ्रू द सर्किट. टेम्परेचर क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा. सो फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वी हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट. मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. फॉर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट वी टेक आर. सो वी इज इक्वल्स टू आई आर. आई आर आर फॉर कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर गिवन मेटल. एंड इज ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर. क्या कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है? वेयर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज. रेजिस्ट और वी कैन से दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्ज. अपोज करता है चार्ज के फ्लो को. सो ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम्स. ओम कह सकते हैं हम. वेयर 1 ohm इज इक्वल्स टू 1 volt upon 1 ampere. रेजिस्टेंस बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल.
रियो स्टेट क्या होता है? रियो स्टेट बेसिकली यूज फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है? कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के फ्लो को आइदर बाय इंक्रीजिंग और इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हुए रेजिस्टेंस को। सिंबल होता है ये रेजिस्टिविटी रो। रेजिस्टिविटी बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ वन साइड एम व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस अदर साइड। वी कैन से दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल पर यूनिट लेंथ फॉर पर यूनिट फॉर ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एसआई यूनिट इज ओम मीटर। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलॉयज इज मेटल्स एंड अलॉयज की क्या होती है? 10^-8 to 10^-6 ओम मीटर। फॉर इंसुलेटर इट इज 10^12 to 10^17 ओम मीटर। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज। मीन्स अलॉयज क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते रेडियली, सो हाई टेम्परेचर पर, इसलिए एक के यूज होते हैं हीटिंग डिवाइसेस में। हीटिंग डिवाइसेस लाइक इन कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। कॉपर और एल्युमिनियम यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स में बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। नाउ रेजिस्टेंस इन रजिस्टर इन सीरीज। रेजिस्टेंस को सीरीज में करते, जैसे सपोज वी हैव थ्री रजिस्टर्स, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज R1, R2, R3। ओके, हियर व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, और वी कैन से दैट एंड टू एंड कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज वी हैव RS फॉर सीरीज R1, R2, R3। R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज। A फॉर एमीटर, V फॉर वोल्ट मीटर, ये करंट पासिंग थ्रू इट, ये बैटरी एंड सर्किट फॉर क्लोज्ड। करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, करंट क्या होगा ईच रजिस्टर्स में क्या होगा? सेम होगा। सो टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू V1 plus V2 plus V3। वोल्टेज अक्रॉस ईच अदर इज इक्वल्स टू V1 is equals to IR1, V2 is equals to IR2, V3 is equals to IR3। बिकॉज V इज इक्वल्स टू IR फॉर थ्री रजिस्टर्स वी हैव 1, 2, 3। नाउ टेकिंग I कॉमन, सो V इज इक्वल्स टू ऑल वी नो दैट IR, देन I कॉमन R1, R2, R3, देन R इज इक्वल्स टू R1 plus R2 plus R3 रजिस्टर्स इन सीरीज। इन पैरेलल वी हैव R1, R2, R3 वोल्ट मीटर की क्लोज्ड अमीटर एंड करंट पासिंग थ्रू इट। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। वोल्टेज क्या होगी ईच रजिस्टर्स में क्या होगी? सेम होगी एंड इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। सो I इज इक्वल्स टू I1, I2 plus I3। नाउ फॉर V इज इक्वल्स टू IR, सो I इज इक्वल्स टू V/R हो जाएगा। देन पुटिंग V इज इक्वल्स टू V/R, I इज इक्वल्स टू, सो देन I1 इज इक्वल्स टू V/R1, V इज इक्वल्स R2, V/R3। देन रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल्स। मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स क्या होगी? इक्वल होंगे इंडिविजुअल्स के। सो 1/RP इज इक्वल्स टू RP मीन्स फोर रजिस्टर्स इन पैरल, वी गेट 1/R1, 1/R2 plus 1/R3। फोर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के हीटिंग इफेक्ट्स क्या होंगे? इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। अगर हमारा हीटिंग सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? प्योर रेजिस्टिव है, तो जो हमारी एनर्जी होगी कंटिन्यूसली क्या होगी? हीट की फॉर्म में डिसिपेटेड होती जाएगी। सो E इज इक्वल्स टू P × T, वेयर V इज इक्वल्स टू IR, और E इज इक्वल्स टू हीटिंग इफेक्ट फॉर E इज इक्वल्स टू H, देन वी हैव V IT, हीटिंग प्रोड्यूस क्या होगी? H इज इक्वल्स टू
V I T. Or we can say that V is equals to I R, then H is equals to I square R T. For Joule's law, heat produced in resistor is directly proportional to square of current. And directly proportional to resistance to given circuit. H directly proportional to R. Also directly proportional for which current flow the current conductor. H directly proportional to T. All combined we get H is equals to I square RT. In last page we can see also H is equals to I square RT. For example, electric iron, electric bulb, electric fuse, etc. And undesirable होती है computers में, TV में, fridges में, etc. ये basically क्या है, electric bulb filament किसे made होती है, tungsten, because do not oxidize radially, high temperature और high melting point होता है, like 3380 degree Celsius. Electric power क्या होती है, the rate at which electric energy is consumed. जिस रेट पे हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, यूज होगी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. हेयर पी इज इक्वल्स टू वी आई एंड वी इज इक्वल्स टू आई आर. सो पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, और वी कैन से दैट वी स्क्वेयर बाई आर. ऐसा यूनिट क्या होगी, वॉट. वेयर वन वाट इज इक्वल्स टू वन वोल्ट इंटू वन एम्पियर, देन वन वाट इज इक्वल्स टू किलो वाट आवर. कमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. यह इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है हमारा प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को फॉर शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए. ये बेसिकली मेडअप होता है प्योर टिन से और अलॉय ऑफ कॉपर और टिन. कनेक्टेड होता है सीरीज में एंड हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग पॉइंट होता है.